ये मालिकों का राज है, ये मालिकों का राज है। खाने को घर नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई। वोट के मार देते हैं और फिर ये कहते हैं कि सिर्फ 4-5 मजदूर थे। पूरे भवाना में जाकर देखो 40-45 मजदूर मरे हैं। महिलाओं का शोषण हो रहा है, एक तो जो महिला होने के नाते, और दूसरा जो उनको बराबर का वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी जो आज की लड़ाई है कि समान काम का समान वेतन होना चाहिए, और मजदूर जो महिलाएं घरों में काम करती हैं, झाड़ू पोछा काम करती हैं या माल लाकर काम करती हैं, उन महिलाओं को ESI PF उनको मजदूर का दर्जा माना जाना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। साथ साथ में हम मोदी सरकार के जो ये जन विरोधी नीतियाँ हैं, ये जो मजदूर विरोधी नीतियाँ हैं, इन नीतियों के खिलाफ हमारा मई दिवस पे हम मांग कर रहे हैं कि जो मजदूरों के जो श्रम कानूनों पर हमले हुए हैं, उन श्रम कानूनों पे हमले हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस में आपने जो रैली देखी है, इसमें मजदूरों का, कर्मचारियों का जो जोश दिखाई दे रहा है, उस जोश का एक अलग ही लोगों के अंदर जोश है, और वो दिखाई देता है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ कितना असंतोष है। अभी दिल्ली के अंदर लगातार जो श्रमिकों के साथ फैक्ट्रियों के अंदर जो दुर्घटनाएँ हो रही हैं आग लगने की, लगातार पूरे क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल है, और मालिकों के खिलाफ एक असंतोष है कि वो रात को ताला लगा के चले जाते हैं, सुबह खोलते हैं, सारी रात मजदूर वहाँ काम करता है, कोई उनसे खाने की पीने की, कोई भी दुर्घटना घटती है तो कोई उनको देखने वाला नहीं होता। तो सरकार के खिलाफ व्यापक असंतोष है उसमें। और भारत के मजदूर किसान।